ओम नमः शिवाय। आज हम सुनीता विलियम्स जी की कुंडली के बारे में चर्चा करेंगे। इनका जन्म 19 सितंबर 1965 में हुआ। ये अंतरिक्ष में 5 जून 2024 को गई हैं और अभी तक वापस नहीं आई हैं, जो कि इनके वापस आने का समय 10 दिन के लगभग था। और आज 25 अगस्त 2024 हो गया। आने वाले समय के बारे में चर्चा करेंगे कि कब वापस आएंगे, इनका वापस आने आने के लिए सही समय क्या है। फिलहाल इनका डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस मालूम है, लेकिन बर्थ का टाइम नहीं मालूम है। लेकिन हम सूर्य कुंडली के माध्यम से ये जानेंगे कि इनकी ग्रह दशाएं कहाँ कहाँ पे हैं और इनके वापस आने का सही समय क्या हो सकता है। सूर्य कुंडली से देखेंगे जन्म का सही समय, यदि मालूम है तो और एग्जैक्ट भविष्यवाणी की जा सकती है। लेकिन सूर्य कुंडली के माध्यम से हम इनके ग्रहों की पोजीशन देखेंगे और ये देखेंगे कि इनका अभी सूर्य कुंडली के माध्यम से क्या वापसी का समय होना चाहिए। सूर्य कहीं ना कहीं आत्मा का कारक है, तो हम ये देखेंगे कि सूर्य से इनकी ग्रह दशा क्या कहती है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, सूर्य कन्या राशि में है, तुला राशि में शुक्र और मंगल है, केतु वृश्चिक राशि में, शनि कुंभ राशि में, राहु वृषभ राशि में और मिथुन राशि में चंद्र और गुरु हैं, और बुध जो है सिंह राशि में। तो ये ग्रहों की पोजीशन है, ग्रह इसमें सूर्य कुंडली के अनुसार उस दिन ग्रहों की पोजीशन ये थी। और यदि दशा की बात करें तो अभी केतु की दशा चल रही है, जो कि केतु वृश्चिक राशि में है। इसके बाद हम ये देखेंगे कि कौन से ग्रह स्ट्रांग हैं और कौन से ग्रह कमजोर हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सूर्य जो है कन्या राशि में बैठे हैं, बुध के घर में, और बुध सिंह राशि में बैठे हैं, सूर्य के घर में। तो सूर्य बुध के घर में, बुध सूर्य के घर में, एक दूसरे के घर में स्थापित होकर राशि परिवर्तन कर रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। और जैसा कि लग्नेश, सूर्य से जो लग्नेश है वो बुध इनके 12वें हाउस में है, जो कि 12वां जो है हम कह सकते हैं दूर स्थान का है, अंतरिक्ष का भी कह सकते हैं। तो इनका जो लग्नेश है वो बुध जो है वो 12वें भाव में है ना, जो कि दूर स्थान को व्यक्त करता है, अंतरिक्ष को भी व्यक्त करता है, और अंतरिक्ष का स्वामी सूर्य लगन में, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि ये कई बार गए भी अंतरिक्ष में, वापस भी आए, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई। कुछ टाइमिंग को लेके ऐसी प्रॉब्लम हुई है जिसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ तो एक बहुत अच्छा योग देखने को ये आया है कि सूर्य और बुध का राशि परिवर्तन है, तो लग्ने से इन्हें व्यक्तित्व को मदद मिल रही है और ये जो इनका जो जीवन का मोटो है वो कहीं ना कहीं जो ये अंतरिक्ष पे जाते हैं वो सिद्ध होता है, सूर्य और बुध का राशि परिवर्तन। और हम यदि द्वितीय भाव की बात करेंगे तो द्वितीय भाव जो है कुटुंब का है, परिवार का है, धन का है, जहाँ शुक्र और मंगल बैठे हुए हैं तुला राशि में। तुला राशि में शुक्र स्वग्रही होते हैं, इस कारण ये कहा जा सकता है कि इनके कुटुंब परिवार और जो है धन का बहुत अच्छा है। मंगल भी साथ में बैठे हुए हैं और मंगल की यदि दृष्टि देखें, सातवीं दृष्टि तो मेष राशि अष्टम भाव में पड़ रही है, और मंगल की जो दृष्टि है अष्टम भाव में, ये अपने ही घर में पड़ने के कारण ये एक चीज इनको अष्टम भाव से मतलब जो है बल मिल रहा है, और ये मंगल के कारण ये दीर्घायु हो रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मंगल की अष्टम भाव में अपने ही घर में दृष्टि पड़ रही मेष राशि में, और शुक्र का अपने ही घर में होना, तो ये दोनों योग भी काफी स्ट्रांग हो रहा है। तीसरी बात करें केतु को, केतु वृश्चिक राशि में है। जैसा कि वृश्चिक राशि में केतु उच्च के होते हैं, ये पराक्रम भाव में है, और कहीं ना कहीं इनको जो लोगों से पावर और जो इनको इनको ताकत मिल रही है केतु के कारण मिल रही है, कोई तो पुण्य के भी कारक हैं, केतु पराक्रम स्थान में है, तो ये ऐसा हो रहा। शनि के बात करें तो शनि कुंभ राशि में है, गोचर में भी देखा जाएगा तो शनि कुंभ राशि में ही चल रहे हैं, छठम स्थान में है, जो कि रोग ऋण शत्रु का होता है। कहीं ना कहीं
शनि विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो जो भी इनको ये संघर्ष का भी भाव है, तो ये कहीं ना कहीं संघर्ष के बाद इनको सफलता दिलाने का है, जो कि शनि अभी कुंभ राशि में 29 अप्रैल 2024 तक रहेंगे, तो अभी अप्रैल तक तो ये काफी अच्छा जो है इनका मतलब शनि के कारण, गोचर के कारण ये काफी संघर्ष वाला है, लेकिन विपरीत राजयोग बना रहा है, तो ये समय शनि प्रकट कर रहा है। राहु के बारे में बात करेंगे तो राहु वृषभ राशि में है, और राहु जो है वृषभ राशि में आपके भाग्य स्थान में है, अब तो यहाँ पे वृषभ राशि में राहु उच्च के होते हैं, तो कहीं ना कहीं राहु के कारण इनका जो है भाग्य साथ दे रहा है। कर्म भाव में देखिए, कर्म कर्मेश यदि देखा जाए तो वो बुध है, लग्नेश भी बुध है, और ये बुध जो है कर्म और लग्नेश दोनों बुध जो है इनके जो है 12वें हाउस में है, जो कि 12वां हाउस हम कह सकते हैं कि अंतरिक्ष या दूर स्थान पृथ्वी से होता है। तो यहाँ पे दशम यदि कर्म का भाव करें तो बुध ही है, और वहां पे चंद्रमा मिथुन राशि में चंद्रमा और गुरु बैठे हुए हैं, और गुरु की सातवीं दृष्टि चतुर्थ भाव में पड़ रही है, जो कि चतुर्थ भाव पब्लिक सेक्टर का भी भाव है, अपने ही घर में धनु राशि में पड़ रही है गुरु की, तो ये काफी चतुर्थ भाव को भी अच्छा कर रहा है, और गुरु की जो दृष्टि है वो छठम भाव में भी पड़ रही है, और जो कि छठम भाव इनका जो कि संघर्ष का है उसको भी अच्छा मतलब उसको भी सॉल्व कर रही है, कि जितनी इनको दिक्कतें आ रही हैं उससे ये गुरु इसको सपोर्ट करेंगे। दूसरी चीज यदि बात करें गुरु की पांचवी दृष्टि इनके द्वितीय भाव जो कि कुटुंब परिवार का उसमें पड़े तो उसको भी अच्छा करेंगे। तो यहाँ पे चंद्रमा जो है लाभ भाव के स्वामी हैं, जो कि कर्म भाव बैठे हैं, और चंद्र गुरु गजकेसरी योग बना रहे हैं, तो ये एक बात काफी अच्छी है। अब हम ये देखें तो इनकी कुंडली में यदि हम ग्रहों की बात करें तो देखिए यहाँ पे चंद्रमा भी गजकेसरी योग जो है गुरु चंद्रमा के से चंद्र और गुरु के कारण से बन रहा है, तो चंद्र भी कहीं ना कहीं, और बाकी सारे ग्रहों की भी हम चर्चा करें तो सारे ग्रह स्ट्रांग दिख रहे हैं, कहीं कोई ऐसा ग्रह कमजोर हमको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य बुध का राशि परिवर्तन, शुक्र स्वग्रही मंगल की अपने घर में दृष्टि, केतु की उच्च का होना, शनि की अपने घर में होना, और राहु का उच्च का होना, गुरु का अपने घर में दृष्टि, और चंद्रमा का गज केसरी योग गुरु के द्वारा, तो यहाँ पे सारे ग्रहों की स्थिति है। दशाओं की बात करें, हम सूर्य कुंडली से दशाओं की भी हम बात करते हैं, तो केतु की दशा चल रही है, केतु की दशा चल रही है, और केतु की जो दशा है उसमें अंतर दशा ही देखें तो नवंबर से अप्रैल तक मंगल की अंतर दशा आ रही है, तो यहाँ पे अभी कह सकते हैं कि चंद्रमा के कारण चंद्रमा जो है अभी जो है केतु में चंद्रमा चल रहे हैं, तो कहीं न कह सकते हैं कि चंद्रमा जो है मिथुन राशि में है, और मिथुन जो है उसमें थोड़ी सी दिक्कतें जो परेशानी चंद्रमा के कारण आ रही है कह सकते हैं, लेकिन इसके बाद जो मंगल की दशा आएगी नवंबर से अप्रैल तक, ये बहुत अच्छा समय है, उसके बाद समय जरूर खराब हो सकता है, लेकिन इसके पहले जो है यदि सूर्य कुंडली से देखें तो नवंबर से अप्रैल तक का, अप्रैल 2025 तक का, नवंबर 2024 से अप्रैल 2025 का, इन इस बीच में सूर्य कुंडली से केतु और मंगल की, केतु की महादशा और अंतर दशा मंगल की आ रही है, तो मंगल कहीं ना कहीं जो है देखो यहाँ पे अष्टम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, जो कि दीर्घायु करते हैं, तो ये टाइम तो सूर्य कुंडली के अनुसार से सही लग रहा है, लेकिन एग्जैक्ट भविष्यवाणी करने के लिए हमें इनका टाइम, बर्थ टाइम मालूम होना बहुत जरूरी है। बर्थ टाइम मालूम हो तो हम बहुत सारी गणना इनकी एग्जैक्ट कर सकते हैं, अनुमानित है गणना के आधार पे हम ये कह सकते हैं सूर्य कुंडली के माध्यम से, लेकिन यदि इनका बर्थ का टाइम यदि मालूम होगा तो थोड़ा अपन एग्जैक्ट भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने देखा सुनीता विलियम्स जी की कुंडली के में, कुंडली में ग्रहों की पोजिशन तो काफी अच्छी है, और समय केतु का कह सकते हैं, तो केतु भी उच्च के हैं, पराक्रम भाव में है, तो पराक्रम और ये का काम तो है ही अंतरिक्ष में जाना, और वो हो रहा है, और यदि हम समय को देखें सूर्य कुंडली के अनुसार से तो नवंबर से अप्रैल का समय अच्छा होता है, और बाकी इनके लगन कुंडली बर्थ का टाइम यदि मालूम हो जाएगा लगन कुंडली से तो और एग्जैक्ट भविष्यवाणी की जा सकती है। तो ये थी सुनीता विलियम जी की सूर्य कुंडली, धन्यवाद।